वही गाइस कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि भाई पिछले वीडियो में हम लोग ऑफलाइन गेम के ऊपर बात किया था एंड अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है एंड इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि भाई ओपन वर्ल्ड गेम चाहिए तो मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं। भाई आज इस वीडियो के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि 10-10 ओपन वर्ल्ड गेम लेकर आ चुका हूं। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखना, इनमें से कोई ना कोई गेम आपको 100% पसंद आएगा एंड आप लोग डाउनलोड भी करने वाले हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं नंबर 10 गेम के बारे में। सो गाइस इस गेम का नेम है वर्सेस। जी गाइस ये जो गेम है इंडियन फाइटिंग गेम होने वाला है। इस गेम के अंदर आपको महाभारत रामायण का जो कहानी है वो आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ भाई आपको अर्जुन भीम एंड श्री राम की यहाँ पर कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं जिसको लेकर यहाँ पर फाइटिंग कर पाओगे। एंड भाई देखो इस गेम के अंदर आपको इंडियन लोकेशन देखने को मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल आपको देखने को मिलेगा एंड काफी अलग अलग आपको मिशन वगैरह देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इस गेम के अंदर आप लोग मल्टीप्लेयर भी खेल पाओगे, आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ बुला के यहाँ पर फाइटिंग कर पाओगे एंड इस गेम का साइज है 300 MB एंड जो गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। तो भाई इंडियन गेम है एंड अब भी जाओ डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर 9 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है पॉकेट सिटी 2। जी हां गाइस अगर आपको सिटी स्काईलाइन मोबाइल फोन पर खेलना है, आप लोगों को पता होगा यार टेक्नो गेमर्स खेलते हैं, आप लोग सोचते हो कि मेरे को भी खेलना है मोबाइल फोन पर, तो भाई आप लोग इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। इस गेम का साइज है सिर्फ और सिर्फ 100 MB एंड इस गेम के अंदर आप लोग कुछ भी बना पाओगे, मतलब आप लोग शॉपिंग मॉल बना पाओगे, सुपर मार्केट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, स्कूल और भी अलग अलग चीज़ यहाँ पर आप बना पाओगे सिटी के अंदर। एंड एक चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग सिटी तो बनाओगे साथ ही साथ भाई सिटी के अंदर घुस के आप लोग सिटी को एक्सप्लोर भी कर पाओगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। भाई आप लोग देख सकते हो मैं खुद इस सिटी को बनाई है एंड उसके बाद सिटी के अंदर जाके मैं कार भी चला पा रहा हूँ एंड बाइक वगैरह सब कुछ मैं चला पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, सिटी भी बनाओगे एंड साथ ही साथ सिटी को एक्सप्लोर भी करोगे, तो और क्या चाहिए भाई, अब भी जाओ डाउनलोड करो, काफी बढ़िया गेम है। सो गाइस बात करते हैं नंबर 8 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है माया नगरी। दोस्तों ये जो गेम है ना भाई इंडिया का GTA 5 होने वाला है, बहुत ही जल्द आपको प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएगा एंड इस गेम के अंदर भाई जोरों शोरों से भाई काम चल रहा है, ठीक है। कुछ दिन पहले भाई इस गेम के अंदर एक अपडेट भी आ गया था एंड अपडेट के अंदर जो ग्राफिक्स है और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो चुका है, यहाँ पर जो जो बग्स वगैरह थे सारे के सारे यहाँ पर फिक्स हो चुका है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द जो गेम है आपको प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएगा एंड इस गेम के अंदर भाई मुंबई एंड गोवा का लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है, एक अच्छा खासा आपको स्टोरी मोड भी देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ जो जो कैरेक्टर आप लोग देख रहे हो ना सारे के सारे कैरेक्टर यहाँ पर हिंदी में बात करता है, तो और क्या चाहिए भाई, पूरा इंडियन आपको माहौल देखने को मिल जाएगा, इंडियन कार आपको देखने को मिल जाता है, बस, ट्रक एंड काफी सारे आपको बाइक भी देखने को मिल जाता है, ग्राफिक जस्ट ऑसम लेवल की होने वाला है, जैसे ही कोई न्यूज आता है मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस बात करते हैं नंबर 7 गेम की बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है वन स्टेट आरपीजी। गाइस अगर आपको एक रियल लाइफ सिमुलेटर गेम खेलना है ना तो भाई आप लोग इस गेम को खेल सकते हो। इस गेम के अंदर बेसिकली आप कार चलाओगे, बाइक चलाओगे, हेलीकॉप्टर चलाओगे, बोट चलाओगे, मतलब बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ 30+ स्टोरी मोड आपको देखने को मिल जाता है, समझ लो यार 30+ स्टोरी मोड, और क्या चाहिए भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस गेम के अंदर एंड एक बिग ओपन वर्ल्ड मैप तो है ही है भाई। यहाँ पर बेसिकली आपको पैसे कमाने के लिए ना काफी सारे आपको मिशन वगैरह देखने को मिल जाता है एंड आप लोग पैसे कमाओगे एंड उसके बाद जाके आप लोग हाउस खरीद सकते हो, न्यू न्यू कार खरीद सकते हो, तो भाई बहुत ही बढ़िया गेम है, बिल्कुल GTA ऑनलाइन की तरह होने वाला है एंड अगर आपके पास एक अच्छा खासा डिवाइस है तो भाई आप लोग इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। इस गेम का साइज है 2 GB एंड जो गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस बढ़ते आगे और बात करते हैं नंबर 6 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है कार्नेज। और यार दोस्तों अगर आपको फाइटिंग गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब शूटिंग गेम खेलना, तो भाई आप लोग इस गेम को खेल सकते हो। ये जो गेम है ना बिल्कुल BGMI की तरह होने वाला है। इस गेम के अंदर आपको दोनों मोड देखने को मिल जाता है, ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन मोड। अगर आप लोग मल्टीप्लेयर खेलना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन मोड को भी एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन देखने को मिल जाता है, काफी सारे आपको व्हीकल देखने को मिल जाएगा, कार देखने को मिल जाता है, टैंक देखने को मिल जाता है, हेलीकॉप्टर एंड बाइक भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट गन आप लोग यूज कर पाओगे, जैसे कि AKM, M4, स्कारेल एंड आप चाहो तो यहाँ पर वन शॉट मतलब जो स्नाइपर गन होती है उसको भी यहाँ पर आप यूज कर पाओगे, ठीक है। ग्राफिक्स भाई बहुत ही खतरनाक होने वाला है एंड इस गेम का साइज है सिर्फ और सिर्फ 180 MB एंड जो गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, चाहो तो यार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। दोस्तों यार शूटिंग गेम की बात हो ही रही है तो चलो गाइस मैं आपको और एक गेम बता देता हूँ। इस गेम का नेम है ओआर आफ्टर। या गाइस ये गेम मेरा फेवरेट गेम है क्योंकि दोस्तों इस गेम के अंदर आपको टोटल 5 मोड्स देखने को मिल जाता है एंड इस गेम के अंदर आप लोग PvP मोड भी खेल पाओगे एंड अगर आपको ऑफलाइन खेलना है ना तब भी भाई खेल पाओगे, ठीक है। इस गेम के अंदर आपका जो खुद का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को आप लोग फुल कस्टमाइज कर पाओगे एंड इस गेम के अंदर एक न्यू अपडेट भी आ चुका है जिस अपडेट के अंदर 3 और
लोकेशन ऐड भी हो चुका है। ठीक है, इस गेम के ग्राफिक्स देखो यार, अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ऐसा लगता है कि मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा फीलिंग आपको आ जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको FPS मोड देखने को मिल जाता है, मतलब TV मोड आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल जो गेम है काफी बढ़िया है, साइज भी कम है, तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। बढ़ते आगे और बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है ट्रक सिमुलेटर द अल्प्स। दोस्तों ये जो गेम है एकदम से न्यू गेम है, कुछ दिन पहले जो गेम है रिलीज हो चुका है। इस गेम के अंदर एक बिग ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा, 7+ आपको ट्रक देखने को मिल जाएगा जिसको आप लोग फुल कस्टमाइज कर पाओगे। लेकिन एक चीज मेरे को बहुत ही खराब लगी कि भाई इस गेम के अंदर आपको कैमरा एंगल सिर्फ और सिर्फ एक ही देखने को मिलता है। मतलब जो स्टैंडिंग व्हील वाला कैमरा एंगल होती है वो भाई इस गेम के अंदर अभी तक नहीं आया। हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट के अंदर भाई आ जाए। ठीक है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कंपनी को कि भाई जल्दी से जल्दी वो जो कैमरा एंगल होती है ना उसको ऐड कर दे। देखो भाई इस गेम के अंदर लोग ऑफ रोड लोकेशन, सिटी लोकेशन एंड विलेज लोकेशन भी देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स भाई बहुत ही कमाल की होता है एंड इस गेम का साइज है 490 MB एंड जो गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो बस एक बार डाउनलोड करना है, उसके बाद आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। सो गाइस बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। तो भाई गेम का नेम है लॉस्ट एबिस सर्वाइवल। दोस्तों ये जो गेम है ना बहुत ही कमाल की गेम है। आप एक शिप के अंदर हो एंड आपको ना जंगल पे नहीं बल्कि समंदर के अंदर यहाँ पर आपको सर्वाइव करना पड़ेगा एंड आपका जो शिप है उसके ऊपर अटैक हो जाती है, काफी सारे पायरेट वगैरह आ जाती है एंड भाई डेंजरस क्रिएचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उसके साथ फाइटिंग करना थोड़ा सा भाई मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एंड समंदर के अंदर फाइट नहीं करना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके पास काफी सारे वेपन वगैरह होने वाला है। देखो भाई इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही कमाल की है, अगर आपको ग्राफिक्स अच्छा चाहिए एंड एक सर्वाइवल गेम चाहिए ना तो भाई आप लोग इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। इस गेम का साइज है लगभग 2 GB के आसपास एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑनलाइन है, तो अगर आपके पास 4 GB या फिर 6 GB रैम की डिवाइस है तब भी डाउनलोड करो, अगर आपके पास छोटा मोटा डिवाइस है डाउनलोड मत करो यार, नहीं चलेगा। ठीक है, सो गाइस बढ़ते आगे और बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। भाई इस गेम का नेम है लॉस्ट फ्यूचर। जी हां गाइस, ये दोस्तों एक न्यू ओपन वर्ल्ड गेम है एंड दोस्तों इस गेम के अंदर बेसिकली आप ज़ॉम्बी के साथ फाइटिंग करते हो, आपके सामने काफी सारे एनिमीज आते हैं तो उसको यहाँ पर आपको किल करना पड़ता है एंड इस गेम का ग्राफिक्स देखो यार बिल्कुल PC जैसा आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। ऐसा लगता है कि मैं PC गेम को मोबाइल फोन या फिर iOS डिवाइस पर खेल रहा हूँ। एंड भाई सबसे बढ़िया बात कि इस गेम के अंदर आपको कार्ड्स एंड एनिमेशन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है एंड आपके पास काफी सारे वेपन होने वाले, काफी सारे आपको गन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आप लोग जो तलवारी वगैरह होती है एंड जो नाइफ वगैरह होती है उसको भी आप यूज कर पाओगे। ठीक है, लेकिन भाई ये एक अच्छी चीज नहीं है क्योंकि दोस्तों ये जो गेम है आपको एंड्रॉइड पर देखने को नहीं मिलता है। एंड्रॉइड पर जो गेम है ये नेक्स्ट मंथ पे आ जाएगा, लेकिन भाई ये जो गेम है ना भाई iOS के लिए आ चुके, मतलब अगर आपके पास आईफोन है तो कोई सब लोग आराम से इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो ऐप स्टोर से, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो भाई थोड़ा सा रुक जाओ, नेक्स्ट मंथ पे जो गेम है यहाँ पर आ जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, चलो गाइस अब बात करते हैं नंबर 1 गेम के बारे में। सो गाइस इस गेम का नेम है हेवी मशीन एंड कंस्ट्रक्शन। दोस्तों इस गेम के बारे में शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। देखो भाई इस गेम के अंदर ना आपको ट्रक, JCB एंड बहुत सारे आपको कंस्ट्रक्शन के जो व्हीकल होती है वो आपको देखने को मिल जाता है एंड ये गेम तो भाई मेरे को बेस्ट लगता है। अगर आपको बेस्ट कंस्ट्रक्शन गेम खेलना है ना तो भाई ये गेम आपके लिए होने वाला है। इस गेम का ग्राफिक्स आपको बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाता है। इस गेम के अंदर बेसिकली आप रोड बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होती है वो यहाँ पर आप बना पाओगे। ठीक है, प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन का काम आपको देखने को मिल जाता है एंड ग्राफिक जस्ट OP लेवल की होने वाला है। इस गेम का साइज है 390 MB एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो बस इसे डाउनलोड करो एंड उसके बाद आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। सो गाइस आज के वीडियो पर खत्म करते हैं, होप करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ चुका है। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरीके से वीडियो और भी देखने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अच्छे रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।